चौक के नजदीक एक बच्ची ड्रैगन डोर की चपेट में आने से बुरे तरीके से घायल हो गई। प्रीतनगर की 4 साल की बच्ची को इलाज के दौरान 15 टाके लगाने पड़े। ये बच्चे अपने पिता के साथ स्कूटी पर सवार थे। स्कूटी पर सामने खड़ी होने की वजह से चाइना डोर बच्ची के मुंह और गर्दन पर रगड़ गया, जिससे बच्ची का चेहरा कई जगहों से कट गया, जिसके बाद बच्ची को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसका इलाज चल रहा है। जालंधर की एक खबर हम आपको बता रहे थे, जहां दोआबा चौक के नजदीक एक बच्ची ड्रैगन डोर की चपेट में आने से घायल हो गई। प्रीतनगर की रहने वाली है ये 4 साल की बच्ची, जिसका इलाज चल रहा है और इलाज के दौरान 15 टाके लगाने पड़े। इस तरीके से ये घायल हुई है। ये बच्ची अपने पिता के साथ स्कूटी पर सवार होकर जा रही थी, स्कूटी पर सामने खड़ी थी और इस दौरान चाइना डोर बच्ची के मुंह और गर्दन पर रगड़ गया, जिसकी वजह से बच्ची का चेहरा कई जगहों से कट गया। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल में ले गए हैं और वहां पर उसका इलाज चल रहा है। चाइना डोरी शायद करके हो रहा है। बच्चे के सारे इतनों कट सी है, मच्छे देते इतनों नाकली हड्डी सारे नहीं सी, ऐसे आँख देते डोर फ्री भी सी, परफ्यूज ब्लीडिंग, बच्चा छोटा बच्चा था, बहुत दुख लग रहा था। बच्चे अखाँ के डॉक्टर ने भी देख लिया, कानून द्वारा देखने जो भी सोच भी ना बदे, और ये सारा ऑपरेशन होके ठीक है, बच्चा इज कंफर्टेबल, टोटली कंफर्टेबल।